हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फैमिली, मैंने मेरे दिन की शुरुआत कर ली है। मेरे घर की श्रृंगार पूजा भोग सेवा आरती मैंने सब कुछ कर लिया है और मंदिर के दर्शन आप करिए। और ये मैं हमारे लड्डू के दर्शन करिए आप। आज चूँकि ट्यूसडे है तो इन्होंने अचानक हमें याद दिलाया कि आज मुझे रेड पहनना है, दैट्स व्हाई ही इज वेयरिंग रेड। तो फैमिली, आज थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि आज ऑफ था, देवंश का मतलब रिवाइज भी रिविजन ऑफ था, तो इसलिए आज थोड़ा सा मॉर्निंग में डिले हुआ था, तो बस थोड़ा लेट हुआ है। तो और आज परी का रिजल्ट भी था, तो वो लोग गई है रिजल्ट लेने। होपफुली सी विल बी पास आउट। तो फैमिली, स्टे विद अस टिल नाइट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा फैमिली। देखिए देवांश ने बैलून आर्ट बनाया, पता नहीं क्या बनाया है। अच्छा, ड्राइंग बनाया बलून पे। गेस करो कौन से गॉड का? कृष्णा हनुमान जी। बजरंग बली है। अच्छा हाँ, ये गदा है और ये हनुमान जी तो राम जी के भक्त हैं। मगर मेरी ड्राइंग बुक में ऐसा ही करना होता है। तो आप लोग अप्रिशिएट करिए देवांश को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माय टू फैमिली। तो फैमिली कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फैमिली, अभी मैं डिनर बनाने लगी हूँ और डिनर में पालक पनीर बना रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मैंने पानी बॉईल करने को रख दिया है, पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें कटी हुई पालक, जिसको मैंने वॉश कर लिया है, इसे थोड़ी देर उबाल के उसके बाद छान लूँगी और ठंडा होने के बाद पीस लूँगी। तो इसे उबालने के लिए डाल देते हैं। पानी बॉइल्ड हो गया है और इसे अब पानी में डाल देते हैं। तो उबलने के लिए मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा बॉइल्ड हो जाए 2 मिनट तो फिर इसे हम छान लेंगे। तो फैमिली, 2 मिनट बॉइल करने के बाद अब हम इसे छान लेंगे, पानी से मतलब निथार लेंगे, उसके बाद ठंडा होके होने पर पीस लेंगे। तो इसे हम स्ट्रेनर में छान लेते हैं। देखिए, इसे मैंने छान लिया है और अब इसे ठंडा होने पे पीस लेंगे। तो फैमिली, हरे कृष्णा। तो देखिए, मैंने वो पालक को बॉईल करके ठंडा करके और उसे पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है पालक पनीर बनाने के लिए। और अब मैं 3 टमाटर और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, आप कितना स्पाइसी खाते हैं उस पर डिपेंड करता है, और अदरक के 2 टुकड़े छोटे, और इसे भी मैं अब ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड नहीं, मैं इसमें चॉपर में क्रश करूँगी एटलीस्ट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्लेवरी मतलब स्क्वीजी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे ग्राइंड मैंने संग में नहीं किया है, या मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड नहीं करूँगी, मैं चॉपर में चॉप करूँगी। तो बस अभी इसे चॉप करके इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने इसको भी क्रश कर लिया थोड़ा पानी डाल के, और अब हम बनाएंगे। फैमिली देखिए, मैंने पनीर को कट कर लिया है और अब मैं इसे हल्का सैलो फ्राई करूँगी
बहुत से लोग इसे ऐसे ही मतलब कच्चा पनीर ही डालते हैं, लेकिन मुझे सैलो फ्राई किया हुआ पनीर ऐड करना मतलब टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे सैलो फ्राई करूँगी ऑयल में। तो जब तक ये सैलो फ्राई हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ मैं मसाले कौन से डालूँगी। ये मैंने अदरक जो आपको दिखाया था उसको मैंने क्रश कर लिया है, ये तेज़ पत्ते, कुछ एक लाल मिर्च क्योंकि ज़्यादा तीखा हम लोगों को पसंद नहीं है, दो कैडमम, ब्लैक पेपर 4-5, लौंग, और ये हो गया आपको दालचीनी, और ये हिंग, और ये जीरा, और मेथी दाना। वैसे बेसिकली इसमें डलता नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे मेथी दाना का टेस्ट पर्सनली बहुत पसंद है तो इसलिए मैं हर एक सब्ज़ी में कुछ दाने मेथी ये डालती जरूरी हूँ। तो बस अभी ये सैलो फ्राई हो रहा है, उसके बाद से फिर मैं मसाले ऐड करूँगी, और उसके बाद लाल मिर्ची, धनिया और अदरक हल्दी ये डालेंगे। देखते हैं, देखिए ये हो गए हमारे पनीर सैलो फ्राई, और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले अदरक, उसके बाद हिंग, एक हाथ से करने में ही नहीं बनता ना, ये थोड़े हिंग अंदाज से, उसके बाद मेथी दाना के कुछ, ये जीरे, वैसे ये शाही जीरा है, फिर मसाले इसमें मैं ऐड करूँगी जो भी मैंने खड़े, मतलब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर नहीं डालूँगी, सब्जी मसाला डालूँगी, इसलिए मैं इसमें खड़े गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और ये मिर्ची तोड़ के डाल देंगे, ये तेज पत्ते, और ये इलायची डाल देंगे, उसके बाद इसमें डलेगा टमाटो और हरी मिर्च का पेस्ट, अब इसमें ऐड होंगे कुछ पाउडर मसाले जैसे कि हल्दी थोड़ा सा, धनिया पाउडर थोड़ा सा 1 चम्मच, मैंने पालक 1 kg लिया था, और ये पनीर ऑलमोस्ट 200 ग्राम होगा, मैंने पनीर घर में बनाया है, और ये लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हरी थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च मैंने 3-4 ऐड किया था, इसलिए ये लाल मिर्च पाउडर, बस हो गया मसालों का, और अब मैं नमक और ये सब्जी मसाले ये मैं डालूँगी, अब इसमें जाएगा नमक, नमक मैं अभी ही ऐड कर दूँगी, इसे टमाटर अच्छी तरीके से पक जाएगा, तो टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, ये है मेरा गरम मसाला ये सब्जी मसाला पाउडर है एक्चुअली, ये
ये जो सब्जी मसाला है ना, ये इसमें मतलब पाव इसके इंग्रेडिएंट्स में भी ना आपको अनियन गार्लिक नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं देख के लेती हूँ। आप देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा होगा शायद, वैसे ही दिखाऊँ मैं आपको मतलब, लेकिन इसमें ना ना अनियन का पाउडर है ना गार्लिक पाउडर है। तो आप इसे व्रत या फास्टिंग जब कभी आप करो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और नमक भी मैंने ऐड कर दिया, तो इसे मैं रख देती हूँ, क्योंकि मैसी अगर जहाँ पे आप खाना बना रहे हो जगह मैसी हो ना, तो खाना भी जैसे लगता है कि मतलब अजीब सा होता है, मतलब आपको स्पेशियस फील नहीं होता। तो ये मसाले अभी भूज रहे हैं, जब ये अच्छे से मसाले ऑयल रिलीज कर देंगे तो फिर मैं इसमें पालक का ये पेस्ट ऐड करूँगी, पनीर ऐड करूँगी, एंड देन मैं ये बटर ऐड करूँगी, क्योंकि पालक पनीर हो और उसमें बटर ना हो तो ये तो मतलब बात ही नहीं बनती ना। तो कुछ बटर मैं ऐड करूँगी लास्ट में, तो ये कुछ 5 मिनट में ऑयल रिलीज हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें पालक का पेस्ट ऐड करूँगी, ऐसे नहीं। तो देखिए फैमिली, ऑयल रिलीज हो गया ये, आपने देखा था मैंने कितना कम ऑयल डाला था, उसके बावजूद कम पे अगर आप मसाले वो भूजते हो ना, तो ये ऑयल इतने अच्छे से रिलीज होता है। ये मसालों का खुद का ऑयल होता है, देखिए कितने अच्छे से मसाले ऑयल रिलीज कर रहे हैं, आप साइडों पे देख रहे होंगे। अब कुछ देर में मैं इसमें ये बस ऐड कर दूंगी, मैं इसमें ये डाल देती हूँ पनीर। ऐसी रेसिपी है ना, क्या अब क्या ही बोलूं मैं, मतलब वैसे भी भगवान को भोग लगाने के लिए जो कुछ भी आप बनाते हैं, कैसे भी बनाते हैं, कुछ ना भी डाल के बनाते हो ना, तो उसका जवाब ही कुछ अलग होता है। और आप ये देख रहे हैं ये ऐसे कितना देखिए। और इस स्टेज पे मैं इसमें पालक ऐड कर दूंगी, मीन्स पालक का पेस्ट, देखिए। पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको गाढ़ी पसंद है या थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं लिक्विड, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, ये आप पे डिपेंड करता है पूरा। तो ये मैंने इस, क्योंकि अभी इसका पानी और सूखेगा, तो इसमें मैं ये पूरा का पूरा पानी ऐड कर दूंगी। बस बन गया हमारा पालक पनीर क्विक एंड इजी रेसिपी विदाउट अनियन एंड नो गार्लिक। तो मिलते हैं 2 मिनट्स के बाद, बाय बाय। तो फैमिली देखिए, ये बॉयल हो रहा है, 2 मिनट और बॉयल होगा, जब तक ये 2 मिनट और बॉयल होता है तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो फैमिली ये देखिए, मैंने आटा लगा लिया है और ये भी हो गया है, और बटर मैं इसमें जब मैं सर्व करूँगी ना तब ऐड करूँगी।
मैं रोटियाँ बना लेती हूँ और भूख लगा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हरे कृष्णा। गिरे मम्मा पिछुत्ता से मारे इसलिए हम आज का सूर्योदय कैसे नहीं देखते। आज हम सूर्य देवता को प्रणाम करके क्या कर रहे हैं तुम अपना नाम शुरू करेंगे। गिरा है लेकिन उस सूरज के तेज की लगन से उन्हें कैटरीना कैफ बन रहा है। गिरे का सारा कैटरीना कैफ बनल निकाल देंगे एक बूंद घूंट की। हरे कृष्णा फैमिली। तो फैमिली देखिए लड्डू ने डिनर कर लिया है और अब हम लोग करेंगे तो ये लड्डू का प्रसादी प्लेट आप लोग भी पाएं। हरे कृष्णा फैमिली। तो फैमिली अब हम लोग भी जा रहे हैं डिनर करने तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टडी। सेव द टेक्स्ट टू यूज लेटर। तो फैमिली डिनर करके अभी ये लोग पढ़ रहा है और कुछ घंटे पढ़ने के बाद अब सोएगा सब और लड्डू भी डिनर वगैरह करके रूम में आ करके टीवी देख रहा था। अभी मैंने टीवी ऑफ किया है और अब मैं से भी थोड़ी देर में सुलाऊंगी जस्ट हाफ एन आवर। स्टे विथ अस। हरे कृष्णा। तो फैमिली हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फैमिली एज यूजुअल मैं बेड पे आ गई हूँ सब कुछ कर करा के डिनर वगैरह बर्तन वगैरह करके सब कुछ और ब्लॉग को इन करने लड्डू के साथ में। बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं और मैंने सोचा था कि बच्चे जब पढ़ लेंगे तभी मैं ब्लॉग को इन करूँगी लड्डू को सुलाऊँगी बट फिर मुझे याद आया कि पता नहीं मुझे बैठे बैठे नींद आ जाए और फिर मैं ब्लॉग को इन ना कर पाऊँ क्योंकि कुछ दिन पहले एक दो बार ऐसा हुआ था कि मुझे नींद आ गई और परी ने लड्डू को सुला दिया और मैंने ब्लॉग भी इन नहीं किया तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मैं लड्डू को सुला देती हूँ और तो इसलिए बस मैं ब्लॉग को इन करने लगी हूँ फैमिली। तो बस ऑलवेज की जैसे मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू लाइक आवर वीडियो एटलीस्ट लिटिल मोर देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ कमेंट अस एटलीस्ट से हरे कृष्णा इन द कमेंट बॉक्स एंड नथिंग एल्स। स्प्रेड योर लव एवरीवेयर एंड शो मी योर लव टू। हरे कृष्णा फैमिली। हरे कृष्णा लड्डू।